मशरक में नगर पंचायत के कूड़े के ढेर में लगी आग, दूर दूर तक फैला धुआं, जिम्मेदार लापरवाह। जी हां, सरकार मशरक नगर पंचायत क्षेत्र के गांव की स्वच्छता को लेकर कचरे का उठाव कर उसका निष्पादन कर रही है, जिसमें प्रतिमाह लगभग 20 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया। लेकिन मशरक नगर पंचायत के द्वारा मशरक छपरा SH 90 पर हनुमानगंज गांव में सड़क किनारे ही कचरा फेंक दिया जाता है। उसी कचरे के ढेर में सोमवार को आग लग गई, जिससे चारों तरफ धुआं फैल गया, जिससे छपरा मशरक मार्ग पर आने जाने वाले राहगीरों को समस्या झेलनी पड़ी। ग्रामीणों ने बताया है कि नगर पंचायत के द्वारा क्षेत्र का कचरा जमा कर हनुमानगंज गांव के पास सड़क के किनारे खुलेआम फेंक दिया जाता है, जिससे आग लग गई और धुआं निकलने लगा, जिससे निकलने वाले धुआं, दुर्गंध और आग के तपिश के चलते लोगों को वहां से गुजरने में परेशानी हुई। मौके पर ग्रामीणों ने बताया है कि नगर पंचायत के द्वारा कचरा डंपिंग यार्ड बना दिया गया, जिससे खुलेआम आग लगा दी जाती है। इस कचरे की आग से निकलने वाला धुआं इलाके की हवा में जहर घोल रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इलाके की हवा इस कदर प्रदूषित हो जाएगी, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले भी नगर पंचायत के कचरे के ढेर में आग लगी थी, जिस पर नगर पंचायत प्रशासन ने भविष्य में कचरा वहां न फेंकने की बात बताई थी। पल्ला परवाह, नगर पंचायत सफाई प्रशासन के द्वारा खुलेआम कचरा फेंका जा रहा है और उसके निष्पादन के लिए खुलेआम आग लगा दी जा रही है। कहां से आ रहे हैं? दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।